Hello, first standard. Welcome to English lecture. In this English lecture, we learn grammar chapter number 13, adverbs. Right? Adverbs tell us more about a verb or an adjective. Adverb है वो हमें क्या बताता है कि more about a verb. Verb मतलब action word जो हमने आगे के लेक्चर में देखा था वर्ब्स देखे तो उसमें क्या है कि वर्ब क्या होता है कि कोई जो एक्शन करता है जैसे कि मामा मदर कुक्स फूड तो कुक्स है वो वर्ब है. करण स्विम्स तो स्विम है वो वर्ब है. वो एक्शन क्या कर रहा है वो हमें दिखाता है वो वर्ब है. और यहाँ पे टेल अस अबाउट मोर टेल हमें वो ज्यादा बताता है वर्ब के बारे में कि वो क्या कर रहा है. They tell us how something is done. मतलब वो हमें वो बताता है कि कैसे वो हुआ. Right? Done मतलब कुछ क्या process कैसे हुई वो हमें बताता है. तो हम आगे देखते हैं. Example है Rina speaks loudly. तो how does she speaks? तो loudly. वो कैसे बोल रही थी वो यहाँ पे दिखाया गया है कि Rina speaks loudly. तो ये जो loudly वर्ड है ना ये क्या है एडवर्ब है. मतलब वो बोल तो रही है लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचा आवाज में बोल रही है वो. हाउ डज सी स्पीक्स तो वो कैसे बोल रही है तो कि loudly बोल रही है. तो आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे ना सेंटेंस को हाउ डज सी स्पीक ऐसे ही हाउ डज सी वॉक ऐसे करके आप क्वेश्चन पूछोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उसमें एडवर्ब कौन सा है. ओके माय ग्रैंडमदर वॉक्स स्लोली. मेरे ग्रैंडमदर है वो कैसे चलते हैं स्लोली चलते हैं. तो हमें पता नहीं है भाई इसमें एडवर्ब कौन सा है तो हमें क्या करना है सेंटेंस को क्वेश्चन पूछना है. हाउ डज माय मदर वॉक्स सॉरी हाउ डज शी वॉक्स अदरवाइज हाउ डज माय ग्रैंडमदर वॉक्स तो आंसर मिल जाएगा स्लोली. तो ये स्लोली है वो हमारा एडवर्ब है. जो कोई भी वर्ड के पीछे एलवाई आएगा राइट एडवर्ब लगाने के लिए ऑलवेज उसके पीछे क्या लगेगा एलवाई लगेगा राइट. एन एडवर्ब इज मेड बाय एडिंग एलवाई ली एलवाई मतलब ली टू द वर्ब और एडजेक्टिव. ये जो एडवर्ब है वो कैसे बनेगा तो कि हमें एडिंग करना पड़ेगा. क्या एडिंग करना पड़ेगा ली एल वाई ली एड करने से किस में एड करना होगा तो कि वर्ब या तो एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हमने देखे थे कि एडजेक्टिव क्या है वो जो ज्यादा हमें बताते हैं नाउन के बारे में वो है एडजेक्टिव. मतलब शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल तो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है. गर्ल तो है ही राइट पर लेकिन वो कैसे है सब में सबसे ज्यादा सुंदर है तो ब्यूटीफुल हुआ वो एडजेक्टिव हुआ. तो वो हमारा वर्ब और एडजेक्टिव को हमें ली लगाने से हमारा एडवर्ब मिलेगा. वर्ड्स लाइक हिली एंड चिली ऑल्सो एंड विथ ली राइट. ये जो वर्ड है हिली एंड चिली तो ये भी एलवाई से एंड होते हैं तो क्या वो एडवर्ब है नो देर आर नॉट वो एडवर्ब नहीं है राइट. तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज देखते हैं. माय आंट येल्ड ब्लैंक लाउड सी हैड सीन अ स्पाइडर. उसने क्या किया कहा किया चिल्लाई उसके आंटी चिल्लाए कैसे चिल्लाए देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें दिया गया है लाउड तो हमें लाउड नहीं लिखना है लेकिन क्या लिखना है लाउडली. देखो यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी गई है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ली वर्ड्स ली है वो एड करना है हमें ब्रैकेट में उसका आंसर दिया गया लेकिन वो सेम टू सेम नहीं लिखना है वो हमें उसमें ली एड करके लिखना है राइट ऐसे लाउडली. अनिकेत इज वॉकिंग ब्लैंक ब्रैकेट में दिए गए स्लो हीज शू इज टॉन तो स्लो है तो स्लो का क्या हो जाएगा स्लोली. यस
आपको क्या करना है, ब्रैकेट में जो वर्ड है वो उसके पीछे ly ऐड करके आपको आंसर फिल करना है। अंकुर एट हिज ब्रेकफास्ट, क्विक ही वॉज लेट फॉर स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था तो वो अपना ब्रेकफास्ट है वो कैसे खा रहा था, क्विकली, तो आंसर आएगा क्विकली। देन मिसेस ज्योति स्माइल्ड ब्लैंक स्वीट, सी वॉज हैप्पी, वो हैप्पी थी और वो कैसी स्माइल दे रही थी, स्वीटली। माय सिस्टर श्रुति स्पोक सॉफ्ट, आई कुड नॉट हियर हर, वो सॉफ्टली बोल रही थी, कैसे बोल रही थी, सॉफ्टली। तो ऐसे हमें ब्लैंक्स है वो फिल करनी है। द सोल्जर्स फोट स्लोली और ब्रेवली, तो हमारे सोल्जर्स है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, टिक द सुटेबल एडवर्ब एंड राइट देम ऑन गिवन लाइन्स, यहाँ पे हमें लाइन में लिखना है उसके साथ कौन सा एडवर्ब है वो सूट करता है। हमें दो दिए गए हैं, राइट, ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या हमारे ब्रेव, ये आपको सेंटेंस है ना वो बिल्कुल समझना होगा तभी आप आंसर फिल कर सकोगे, वरना आपको ऐसे हो जाएगा कि क्या आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द सोल्जर्स फोट, तो सोल्जर्स मतलब वो कैसे फाइट करते हैं, स्लोली फाइट करते हैं कि ब्रेवली फाइट करते हैं, तो कि ब्रेवली करते हैं, राइट, नॉट स्लोली। तो यहाँ पे हम ब्रेवली में टिक करेंगे और यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ब्रेवली, राइट। सोल्जर्स है वो हमारी जो सीमा होती है भारत की जो, वहां पे वो थोड़ी ना स्लोली स्लोली फाइट करेंगे, वो तो ऐसे बहुत बहादुरी से वो लड़ते हैं ना, तो बहादुरी मतलब ब्रेवली। श्रेया घोषाल सिंग्स द सॉन्ग्स स्वीटली और ब्रेवली, अब सॉन्ग कोई सिंग करता है तो वो कैसे ब्रेवली थोड़ी ना करे, उसमें कोई बहादुरी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें तो कैसा सॉन्ग होना चाहिए, स्वीट सॉन्ग होना चाहिए, हमारी आवाज मधुर होनी चाहिए तभी वो सॉन्ग है वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा स्वीटली, तो स्वीटली पे राइट करेंगे और हम यहाँ पे स्वीटली आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।